ये पीओके में पाकिस्तानी सेना का अंतिम चरण। ना मारा। ये पाकिस्तान के हाथ से पीओके के जाने का साफ ट्रेलर है। पीओके में वो हो रहा है जिसे पाकिस्तानी सेना ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो सेना लोगों पर भारी थी, वही सेना आज पीओके में खुद अपनी जान बचाकर भाग रही है। लोग उन्हीं के जान के प्यासे बन गए। कहते हैं ना, आतंक और अत्याचार की भी सीमा होती है, और पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार ने वो सारे दायरे क्रॉस कर दिए हैं। उसके बाद पीओके के लोगों का सब्र टूटा तो तस्वीरें पलट कर आ गई। पाकिस्तान की पुलिस जनता से जान बख्शने की गुजारिश कर रही है। बिजली संकट, महंगाई और टैक्स की बढ़ी दरों, भुखमरी और आटे की किल्लत के बाद जनता सड़कों पर है। उनका प्रदर्शन दबाने के लिए सेना और पुलिस को सामने लगाया गया तो जनता का गुस्सा कुछ इस अंदाज में उन पर भारी पड़ रहा है। पीओके में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। ये हिंसक प्रदर्शन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दादियाल, मीरपुर, समाहनी, सेहंसा, रावलकोट, खुईरट्टा, तत्तापानी और हट्टियनबाला समेत कई जगहों पर है। पीओके में धारा 144 लागू है। 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस फायरिंग करके डरा रही है, लेकिन डरने के बजाय पब्लिक ने खुद सेना और पुलिस को डरा दिया है। ये वो लोग जो भारत में मिलने की चाहत रखते हैं, और इनकी उम्मीदें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके पर दिए गए बयानों के बाद से और बढ़ गई है, जो पीओके को जल्द से जल्द भारत में लाने का भरोसा देते रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से भारत में मिलने की तड़प इन्हें सड़कों पर उतार रही है, प्रदर्शन करवा रही है, कह सकते हैं बस कुछ ही समय का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.